ऑल राइट, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम्स आर ओवर और अब बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम इज नेक्स्ट। मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होगी, हीमोफीलिया रिसेसिव है या डोमिनेंट, निमोनिया वायरल डिजीज है यानी क्रोमैटिड वर्सेस क्रोमैटिड, पर अगर आप जो मैं आज आपको मेथड बताने जा रही हूँ ना, आप एकदम उसको एकदम डिटो फॉलो कर लेते हैं ना, तो आपको भी मेरा बायो में तो 96% मार्क्स आ ही सकते हैं। और प्लीज मैं शो ऑफ बिल्कुल नहीं कर रही, मैं सच में चाहती हूँ आपको बायो में तो एटलीस्ट अच्छे मार्क्स आए ही, क्योंकि इस बार फिजिक्स का पेपर जो इन लोगों ने सेट किया था, ओ माई गॉड गाइस, उसके बाद बायो ही हम लोग का अकेला सहारा बचता है। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी वाइट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड ऑफ रिवीजन बायो एग्जाम का बोर्ड एग्जाम से पहले। मतलब मैंने तो यही सारे स्टेप्स किए थे और मेरे को 96% आया था सच में, तो आप भी करोगे ना तो आपको भी 90 अबव तो आएगा ही पक्का। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं जो आपको सबसे पहले, जिनसे आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है पूरे बोर्ड एग्जाम के लिए इस बायोलॉजी के। उसके बाद वी विल सी दो चीजें जो आपको करनी है एग्जाम के तुरंत पहले, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट, और एंड में हम लोग देख लेंगे वो सारे टॉपिक जिन पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, सच में इसमें टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो चलिए बिना समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला डू और डाई चैप्टर है हम लोग का इकोलॉजी यूनिट का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। फ्रेंड्स इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, तो इससे आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिएगा और इसको एकदम अच्छे से करिएगा। ये चैप्टर ज़रा डिफिकल्ट भी नहीं है, तो आप इसमें इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा है शॉर्ट ट्रिक वाले इकोलॉजी का, तो चिंता करने की कोई बात नहीं, उसको देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। इसके बाद जो हमारा सेकेंड चैप्टर हो जाते हैं वो हो जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर। इनके पेजेस भले ही कम है पर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, तो आप इसमें रटने में टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिएगा, इनके क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिएगा। इन दोनों चैप्टर्स में ना क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, तो वो आप सबसे पहले करिएगा। देन चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इन दोनों चैप्टर्स में ना आपको जेनेसिस याद करना है। चैप्टर नंबर 2 में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, ईच एंड एवरी स्टेप एकदम अच्छे से रट्टा मार लीजिए, एक एक टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस, इन दोनों की ईच एंड एवरी स्टेप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 10-15 बार उसको रिवाइज कर लीजिए। नहीं मुझे पता है अब तक आपने अच्छे से वो रिवाइज कर लिया होगा, मतलब फिर भी। एंड देन द फाइनल डू और डाई चैप्टर इज मोलेक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर ये चैप्टर फ्रेंड्स आपने ढंग से नहीं किया तो आई एम सॉरी, आपको मतलब फिर उसके बाद 90% मार्क्स लाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना फ्रेंड्स वो एकदम हार्ट है पूरी एनसीईआरटी का। सो प्लीज 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 फ्रेंड्स ये चैप्टर प्लीज आप अच्छे से करके जाएगा। नहीं मुझे पता है यू विल डू इट। तो ये तो हो गए डू और डाई चैप्टर। अब इसके बाद जो हमारा स्टेप नंबर 2 है वो है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे कि पेज 255 में ये डायग्राम है ना, इसमें ये डायग्राम वो आपको पेपर में दे देंगे, पर कोई एक जो पार्ट होगा इस डायग्राम का वो गायब कर देंगे। जैसे इसमें यहाँ पे प्रोड्यूसर लिखा है ना, तो पेपर में आपके प्रोड्यूसर नहीं लिखा रहेगा, वो पूछेंगे कि बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए। ऐसे बहुत ढेर सारे एनसीईआरटी में डायग्राम है, पर वो सारे डायग्राम आप बहुत जल्दी से याद कर सकते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं। एक सिंपल सा तरीका है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। क्या करिए, सबसे पहले जो डायग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन है वो आप याद करिए। हाँ बहुत लोग ये डिस्क्रिप्शन पार्ट को सीरियसली नहीं लेते, पर फ्रेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप डायग्राम का जो डिस्क्रिप्शन है वो याद करिए, उसके बाद सेकंड स्टेप में आप याद करिए लेबलिंग। जब ये दोनों चीज आप कर लें, डिस्क्रिप्शन प्लस लेबलिंग, फिर आप अपनी बुक को कवर करिए एंड देन रिपीट इट। मतलब मुझे पता है थोड़ा बचकाना जरूर लगेगा आपको कि आप बच्चों जैसे बोल रही है कि इसको फिर से बोलो, पर अगर एग्जाम में यही कोई डिस्क्रिप्शन या डायग्राम आपको याद ना रहे लेबलिंग वेबलिंग, फिर ज्यादा बचकाना नहीं लगता, फिर पता चलता है असली दुख क्या होता है। ओके, तो ये दोनों चीजें जब आपने कर ली, तो उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आप क्या करिए ना, एक पॉकेट साइज जो नोटबुक नहीं आती वो आप खरीद लीजिए। मतलब मेरे पास तो पहले से थी, अगर आपके पास हो घर पे तो वो ले लीजिए। और अब इस पॉकेट साइज नोटबुक में हमें दो चीजें लिखनी है। सबसे पहले तो जैसे जैसे आप पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाते हैं, सारे चैप्टर्स पढ़ते जाते हैं, तो जितने भी आप साइंटिस्ट नेम पढ़ते हैं उन चैप्टर्स में, मतलब जिन्होंने कोई डिस्कवरी किया है, वो आप उस पॉकेट साइज नोटबुक में लिखते जाइए साथ साथ में साइंटिस्ट नेम और उनके डिस्कवरी। ऐसा करके जब आपका एंड में रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, पूरी बुक पढ़ के हो जाएगी, तो आपकी जो पॉकेट साइज नोटबुक है वो पूरी नेम से और डिस्कवरी से भर जाएगी। तो
फाइनल डे में सुबह सुबह ना पूरी बुक रिवाइज करने में पन्ना पलटने से ज्यादा इजी क्या रहेगा कि आप इस छोटी सी बुक से वो रिवाइज कर लें। उसके बाद जो दूसरी चीज आपको इस बुक में लिखनी है वो ये कि कोई कोई जो टर्म्स रहते हैं बायो में वो बहुत ही सिमिलर रहते हैं, जैसे क्रोमैटिड, क्रोमैटिन, परमिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस। इन टर्म्स में कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो जैसे हम लोग लाइन बना के डिफरेंसेस लिखते हैं ना, वैसे ही आप इन दोनों टर्म्स का एक पॉइंट का डिफरेंस लिख दीजिए। उससे आपको उनकी डेफिनेशन भी याद रहेगी और एंड मोमेंट पे ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी कौन सा वाला कौन सा था, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते तो बहुत ईजी लगता है, हाँ मुझको तो पता है ये तो बहुत ईजी है, बहुत बार पढ़ रखा है। पर एग्जाम में मतलब जल्दीबाजी में, टेंशन में, जल्दी जल्दी पेपर खत्म करना है, लॉन्ग आंसर लिखना है, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हम लोग को आता रहता है ना, फिर भी हमें मतलब समझ नहीं आते कौन सा वाला कौन सा था। ये दोनों चीजें आप कर लीजिए पॉकेट साइज नोटबुक में। उसके बाद एंड में चलिए अब देख लेते हैं वो टॉपिक्स और चैप्टर जिनमें आपको अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो ये वाला है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसके जो ये चार्ट्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने लोगों को लगते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली सब लोग इस पे बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, पर इतना क्वेश्चन इससे आने वाला है नहीं। पर फुल डिस्क्लोजर, मैंने तो इसको याद किया था एग्जाम से पहले, पर मैंने बहुत पहले से मतलब स्टार्टिंग से मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, तो मैंने ऐसा नहीं था कि मैं फाइनल डे पे बस इस पे ही टाइम वेस्ट कर रही थी। तो अगर आपने अगर पहले से इसको अच्छे से याद करके रखा है तो ठीक है, पर अगर आपने पहले से याद नहीं किया है तो इन चार्ट्स पे ज़रा टाइम वेस्ट करिए, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। क्योंकि हम लोग किम पीक तो है नहीं कि एक बार पढ़ लिया और हमेशा के लिए याद हो गया। और जिन लोगों को पता नहीं है कि किम पीक कौन है, अगर आपको जानना है तो क्लिक करिए इस वीडियो पे। तो बाय फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम बायोलॉजी बाय।